हेलो दोस्तों, स्वागत है कारिस्तान में। आज हम बात करने वाले हैं XUV300 की, जो कि हाल ही में नया लोगो के साथ लॉन्च कर दी गई है दोस्तों। और दोस्तों, इस गाड़ी की खास बात क्या रहने वाली है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। सेफ्टी के पर्पज से सबसे बेस्ट गाड़ी रहने वाली है अंडर 10 लाख के अंदर दोस्तों। एनकैप 5 स्टार रेटिंग इसको मिल जाती है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार होती है दोस्तों। हाल ही में सेल्स जो है महिंद्रा की काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, XUV700, फिर स्कॉर्पियो एन और बाकी जो नई गाड़ियाँ भी लॉन्च हो रही हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रीमियम गाड़ियाँ महिंद्रा लॉन्च कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों, खास बात क्या रहने वाली है, अब महिंद्रा जो है इंटीरियर पे भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। जो इंटीरियर है उसमें भी वो लग्जरी सेगमेंट काफ़ी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि XUV700, स्कॉर्पियो एन और अब आपको XUV300 के अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अंदर से काफ़ी स्पेशियस केबिन होते हैं और काफ़ी लग्जूरियस केबिन आपको देखने को मिल जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंडर 10 लाख के बजट में आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ कौन सी सबसे बेस्ट गाड़ी मिल जाती है। अंडर 10 लाख के अंदर दोस्तों महिंद्रा की XUV300 को 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली हुई है, जो कि सेफ्टी पर्पज से बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है महिंद्रा का। और XUV300 उसमें नंबर 1 रहने वाली है। अगर बात करें अंडर 10 लाख के अंदर दोस्तों, तो सबसे बेस्ट गाड़ी महिंद्रा XUV300 रहेगी। माइलेज की बात कर लें दोस्तों, तो माइलेज भी 17 किलोमीटर पर लीटर का इसका एवरेज रहता है। अगर हम बात करें इंजन की, तो इसके बेस वेरिएंट से आपको टर्बो इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, इसके बेस वेरियंट से ही दोस्तों। अगर पावर की बात करें तो 109 BHP और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। जो लोग इसकी टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं वो लोग जानते हैं इसको हाईवे पे चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, स्टेबल रहता है। और इसके अंदर आपको काफ़ी मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग मोड्स भी आपको इसमें काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। खास बात क्या रहेगी, अगर दोस्तों प्राइस रेंज की बात करें, 8,41,000 इसका बेस वेरियंट का XOROM प्राइस रहने वाला है। अगर हम बात करें दिल्ली XOROM प्राइस की, तो 8,41,500 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है। अगर गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो बेस वेरिएंट लेके भी कुछ लोग चाहते हैं कि अंडर 10 लाख के अंदर अच्छी गाड़ी मिल जाए, सेफ गाड़ी मिल जाए, इसके अंदर सेफ्टी के फीचर्स हों, लुक वाइज अच्छी हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, तो महिंद्रा XUV300 उसमें हर चीज़ में बेस्ट है दोस्तों। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, इसके अंदर आपको फ्रंट में 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, बाकी और सेफ्टी फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों बेस वेरिएंट से आपको स्टार्ट स्टॉप का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ट्रैफिक के टाइम पे काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ट्रैफिक। हाल ही में दोस्तों महिंद्रा ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, जो कि XUV300 के अंदर भी वही लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, जो आज से पहले XUV700 और स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलता था। अब ये लोगो आपको XUV300 में भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। हाल ही में XUV300 स्पोर्ट्स भी लॉन्च हुई है, उसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अभी हम 10 लाख के अंडर में 5 स्टार गाड़ी की बात कर रहे हैं, जो कि आपकी बजट में भी आ सके और बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो ये हर फील्ड में काफ़ी बेटर परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि माइलेज की बात करें, तो हाईवे का माइलेज लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का रहने वाला है। अगर हम इसको सिटी में भी ड्राइव करते हैं, तो 13-14 का एवरेज आपको ईजिली मिल सकता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है दोस्तों, इसके अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बेस वेरियंट में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, बेस वेरिएंट में आपको बेसिक व्हील्स मिलने वाला है। आप बाहर से इसको मॉडिफाई करा सकते हैं अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो। मोस्टली आपको बेस वेरिएंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको थोड़े से इसके अंदर पावर विंडोज मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, W4, W6, W8 और W8 प्लस, केवल 4 वेरिएंट मिलते हैं। जिसके अंदर अगर आप W6 लेते हैं, तो उसके अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाती है दोस्तों। W4 बेसिक मॉडल रहने वाला है, जिसकी कीमत 8,41,000 रुपये रहने वाली है दिल्ली XOROM प्राइस। बाकी W6, W8 और W8 प्लस में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैक कैमरा मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको टॉप वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन W4 एक बेसिक वेरिएंट है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको सेम मिलने वाली है, इंजन आपको बेस्ट मिल जाएगा दोस्तों, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज रहने वाला है, 109 BHP की पावर रहेगी, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क रहने वाला है दोस्तों। काफ़ी बेस्ट फिगर्स रहने वाले हैं दोस्तों, अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये कहीं भी किसी भी गाड़ी से कम नहीं रहने वाली है।
बिल्ड क्वालिटी तो 10 लाख के अंदर सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी आपको XUV300 की ही मिलने वाली है। दोस्तों आप मुझे जरूर बताएं कि 10 लाख के अंडर में आपके सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी रहने वाली है। बाकी अभी इसके काफी कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि नेक्सॉन, टाटा की नेक्सॉन रहने वाली है। अभी हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा भी इसी की कॉम्पिटिटर रहने वाली है। लेकिन अगर हम बिल्ड क्वालिटी के नजरिए से देखें तो XUV300 नंबर 1 पोजिशन पे आती है दोस्तों। बाकी दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।